नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो नई वैगनार में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पुरानी वाली वैगनार से, और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, और ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। कौन सा वेरिएंट लें और जिससे कि वैल्यू फॉर मनी हो, कौन सा वेरिएंट इसका AMD और मैनुअल, कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है, और क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं पुरानी वाली वैगनार से नई वैगनार में, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और इंजन के बारे में भी जानेंगे, कौन सा इंजन आपको लेना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब लेंथ से। तो लेंथ में भी काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है पुरानी वाली वैगनार और नई वाली वैगनार में। लेंथ में इंक्रीज़ हो गया है, अब आपको 19 mm जो है लेंथ एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी अब आपको 3655 mm की लेंथ मिले करेगी। और अब आपको विड्थ की बात करें तो 145 mm जो है विड्थ इंक्रीज़ की गई है, अब आपको 1620 mm की विड्थ मिलेगी। और हाइट में भी चेंज किया गया है, तो अब आपको 5 mm, 5 mm भी हाइट इसकी इंक्रीज़ की गई है, अब आपको 1675 mm की हाइट मिलेगी। और व्हील बेस इसका 2435 mm का व्हील बेस है, तो काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है लेंथ विड्थ हाइट में। और टर्निंग रेडियस 4.7 मीटर का आप टर्निंग रेडियस मिलेगा आपको इसमें। और बूट स्पेस में आपको इंक्रीज़ किया गया है, आपको 343 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा न्यू वैगनार में। और 60-40 स्प्लिट सीटें हैं, जो कि अब आपको सीटों को 60-40 स्प्लिट करने के बाद अब आपको 711 लीटर का बूट स्पेस मिला करेगा, तो काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है बूट स्पेस में भी। और ZXI वेरिएंट में अब आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि आप एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले प्ले कर सकते हैं इसमें। ऑडियो वीडियो यानी काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है अब आपको नई वाली वैगनार ZXI में। VXI में वही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि बटन सिस्टम जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल्स दिए गए हैं, देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील पे ही। और VXI AGS लेते हैं तो ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे ही दिए गए हैं VXI AGS में, यानी ऑटोमेटिक गाड़ी। उसमें अब आपको VXI वेरिएंट में भी ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे ही मिला करेंगे, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया गया है पहले से। और काफ़ी अच्छा लेगरूम भी है पहले से, लेगरूम में भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। और बात करें डोरों पे, आपको अच्छा खासा स्पेस मिला करेगा बोर्ड लगने का, चारों डोरों पे स्पेस दिया गया है। और बात कर लेते हैं अब प्राइस की, तो अगर आप 1 लीटर इंजन लेते हैं LXI वेरियंट, तो उसका प्राइस है 4,19,000। और इसका अगर VXI वेरियंट लेते हैं तो उसका प्राइस है 4.69 लाख। और अगर आप VXI AGS लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 5,16,000। तो ये 1 लीटर में है, 1.2 लीटर लेना चाहते हैं तो इसका पहले मैं वैल्यू फॉर मनी बता देता हूँ कौन सा वेरिएंट है। 1 लीटर में आप इसका वैल्यू फॉर मनी LXI वेरिएंट है, जो कि 4.19 लाख में आपको मिल जाता है, यानी 4,19,000 में। और अब बात कर लेते हैं 1.2 लीटर इंजन की, तो VXI वेरिएंट का प्राइस है 4.89 लाख। और VXI AGS लेते हैं तो उसका प्राइस है 5.36 लाख। और ZXI वेरिएंट लेते हैं तो उसका प्राइस है 5,22,000। और ZXI AGS लेते हैं तो उसका प्राइस है 5.69 लाख। तो इसमें आपको 1.2 लीटर में वैल्यू फॉर मनी इसका VXI AGS वेरिएंट है, जो आप ले सकते हैं। और ZXI वेरिएंट में और ऑप्शन भी आ जाते हैं, जैसा कि और भी गाड़ियां हैं मारुति की, जिसमें कि इग्निश है और स्विफ्ट, जो इनको टक्कर देगी। और क्योंकि इस रेंज में ये गाड़ी भी आपको अवेलेबल हो जाती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट का, और कस्टमर का जो पसंद होता है कस्टमर का वही गाड़ी लेता है। तो फैमिली हैचबैक वैगनार है, फैमिली के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो फीचर्स होने चाहिए, सेफ्टी फीचर्स अब आपको पूरे मिल जाते हैं। डुअल एयरबैग दिया गया है इसमें, आप LXI वेरिएंट में भी, और रियर पार्किंग
सेंसर भी दिया गया है और साथ में ABS, तो ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। और इसमें 13 इंचज़ के व्हील मिलेंगे, स्टील व्हील, अगर आप एलेक्सा वेरिएंट लेते हैं। और इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा कंपनी फिटेड एलेक्सा वेरिएंट में, तो आप बाहर से लगवा सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। ना ही आप फॉग लैंप मिलेंगे कंपनी फिटेड, ना ही LED मिलेगी। LED वैसे तो किसी वेरियंट में भी नहीं मिलेगी आपको, और ना ही स्पॉयलर मिलेंगे किसी भी वेरियंट में। आपने देख ही लिया होगा, मैंने पहले भी बताया था, पहले पिछली वीडियो में आपने सुना ही होगा, जो फीचर्स मैंने बताए थे पिछली वीडियो में वही फीचर्स इसमें आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी पहले ही देख रखी थी इसलिए मैंने आपको बताया। और बात कर लेते हैं हम इंजन की, तो कैसी इंजन दिया गया है इसमें, जैसा आपको पता ही होगा, जिसकी इंजन सीसी की बात कर ले तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन की, सीसी की बात करें तो 998 सीसी का इंजन दिया गया है। और बात कर लेते हैं पावर की, तो 67 BHP की पावर मिलेगी इसमें अब आपको एट द रेट 5,500 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 90 Nm की टॉर्क मिलेगी 3,500 RPM पे। और 1 लीटर इंजन में अब आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी, यानी 22.5 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 1 लीटर इंजन में। और बात कर लेते हैं अब 1.2 लीटर इंजन की, तो K12 इंजन दिया गया इसमें, ओके सीरीज इंजन दोनों में ही मिलेगा आप आपको। और जिसकी सीसी है 1,197 सीसी का इंजन मिलेगा इसमें आपको 1.2 लीटर में। और बात करें पावर की, तो 82 BHP की पावर जनरेट करेगा एट द रेट 6,000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 113 Nm की टॉर्क मिलेगी आपको 4,200 RPM पे। और इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो माइलेज आपको 21.5 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 1.2 लीटर इंजन में। सो फ्रेंड्स, अगर आप जो था इस वीडियो में मैंने बताने की पूरी कोशिश करी, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, फीचर्स के बारे में, LXi VXi ZXi वेरिएंट के बारे में, जो फीचर्स है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी वेरियंट देख रखे हैं वैगनार के। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।